एपोमिक्सिस यह पौधों में पाया जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, तो चूंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सेक्सुअल तब हम कहते हैं जब उसमें मियोसिस हो, अर्धसूत्री विभाजन हो, गैमिट बने और गैमिट आपस में फ्यूजन हो, मिले, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें फर्टिलाइजेशन की घटना भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। ये विशेष मेथड है जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और इसके हम टाइप्स में अगर हम देखें तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, यानी इसमें मियोसिस होता है और उसके फलस्वरूप मेगा स्पोर बनता है, जिससे आगे फिर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। एम्ब्रियो सैक इस तरह का होता है, जो आप जानते हैं, इसमें ऊपर की ओर एक कोश का दोनों साइड में सिनर्जी, बीच में सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लेई जो आपस में मिलकर सेंट्रल सेल बनाते हैं, नीचे एंटीपोडल सेल। तो जब इस एक कोशिका से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंतर्गत एक सब टाइप है जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। देखिए, यदि बिना फर्टिलाइजेशन के एक सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और एक दूसरा टाइप है जिसमें एक सेल के बजाय किसी दूसरी कोशिका से यदि एम्ब्रियो का निर्माण एम्ब्रियो सैक के किसी अन्य सेल से होता है, जैसे एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड, तब इसे हम हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं। हैप्लॉइड एपोगैमी यानी बिना गैमेटिक फ्यूजन के हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के, और हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि इसमें मियोसिस के द्वारा ये एम्ब्रियो सैक बना था। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं पूरा एम्ब्रियो सैक, ये पूरा पूरा है मियोसिस से बना था, तो हैप्लॉइड सारी कोशिकाएं हैं। तो यदि एक कोशिका से बनता है तो वो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, यदि नीचे एंटीपोडल सेल से बनता है या ये जो साइड में एक सेल के साइड में सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं उनसे अगर एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसे हम हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं, जो कि हमने नीचे यहाँ पर दूसरा टाइप देखा इसी के अंतर्गत। यानी इस नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में दो टाइप हमने देखे। ठीक है, ये सिनर्जिड से देखे लिखा हुआ है, एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड। सिनर्जिड एक कोशिका के बगल में होता है ना, और ये जो एम्ब्रियो बना है ये एग सेल से बना है। तो सिनर्जिड कोशिकाएं भी कभी कभी एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, तो जो कि मियोसिस नहीं हो रहा इसलिए इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में हैप्लॉयड एम्ब्रियो बनते थे जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। ये भी दो टाइप का होता है, जनरेटिव एपोस्पोरी। ठीक है, मतलब कोई जनन कोशिका, जनरेटिव सेल्स, जिसको आर्कियोस्पोरियम हम कहते हैं। ओव्यूल के अंदर ये क्या होता है, आर्कियोस्पोरियम, जिससे यानी वहाँ पर की कोशिकाओं से मेगा स्पोर का निर्माण हो सकता है। तो वहाँ पर की कोशिकाएं अगर डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाती हैं और उससे फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो वो डिप्लॉयड होगा, तो हम उसे इसको जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। इसी तरीके से सोमेटिक एपोस्पोरी में ओव्यूल की किसी अन्य कोशिकाएं, जैसे न्यूसेलस की कोशिकाएं या इंटेग्यूमेंट की कोशिकाओं से जब एम्ब्रियो सैक बने, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगा, मियोसिस नहीं हो रहा है चूंकि इसमें, तो उस कंडीशन में जो एम्ब्रियो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के ना, जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है उसको हम सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं। तो एपो यानी बिना स्पोरी यानी स्पोर फॉर्मेशन के, मेगा स्पोर बने बिना, यानी अर्धसूत्री विभाजन चूंकि होता नहीं है इसलिए इस टाइप का जो होता है एपोस्पोरी कहलाता है। जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमेटिक एपोस्पोरी, ये किसके अंतर्गत हमने देखा, रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंतर्गत देखा। ये दो टाइप होते हैं, इसको हम नीचे चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे जनरेटिव, सामान्यतः जनरेटिव सेल से आर्किस्पोरियम यहाँ पे होता है, जिससे
एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है माइक्रोपाइलेट की ओर, ठीक। तो वहाँ पर अगर कोई एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, जैसे ये एम्ब्रियो सैक हमने यहाँ पे बनाया है, तो उससे जो एम्ब्रियो बनेगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो बनेगा, तो वो कहलाएगा जनरेटिव एपोस्पोरी। और अगर यहाँ पर कोई जो न्यूसेलस है और ये जो उसका इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट अर्थात तो जो अध्यावरण होता है ओव्यूल का आवरण जो है, तो इनकी कोशिकाओं से जब कहीं पर अगर एम्ब्रियो सैक बने बिना मियोसिस के, तो उसको डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक। और उनसे जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा तो उससे हम कहेंगे सोमैटिक एपोस्पोरी। तो डिप्लॉयड सेल से न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट की होती हैं, तो उनसे डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है। तो यहाँ पर अगर जैसे ये बन रहा है एम्ब्रियो सैक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक एपोस्पोरी के अंतर्गत ही आएगा। ये डिप्लॉयड होंगे दोनों, ठीक है, ये जनरेटिव एम्ब्रियो सैक भी और ये सोमैटिक एम्ब्रियो सैक से जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप के दो टाइप हो गए, रिकरेंट किसके, रिकरेंट एपोमिक्सिस से जिसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनते हैं, जनरेटिव एपोस्पोरी है और सोमैटिक एपोस्पोरी। तीसरा हम देखते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनिंग, ये इसमें एम्ब्रियो सैक का निर्माण नहीं होता बल्कि डायरेक्ट कोई कोशिकाएं, जैसे ये ओव्यूल है, यहाँ पर कोई भी कोशिकाएं जो न्यूसेलस की है चाहे इंटेग्यूमेंट की, इन कोशिकाओं से डायरेक्ट एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो सैक नहीं बनता बल्कि डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, तब उसे हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप होगा एपोमिक्सिस का, ठीक। तो एपोमिक्सिस में जनरली फर्टिलाइजेशन की घटना नहीं होती है, मतलब गैमेट्स आपस में फ्यूजन नहीं होते हैं। और टिश्यू कल्चर में भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिसमें कुछ प्लांट हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जिससे वो डायरेक्ट कोशिकाएं जो है एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाती हैं, जिसे एम्ब्रियोइड्स भी कहते हैं, जो आर्टिफिशियल सीड बनाने के काम आती है, ठीक। तो वो क्योंकि नेचुरली भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो हार्मोन्स जरूरी होते हैं, तो नेचुरली भी बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। तो इसमें यही तीन टाइप देखते हैं। थैंक यू।